हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोर एंड। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू जीन रेगुलेशन टॉपिक। वी हैव स्टार्टेड जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, उसी के नेक्स्ट पार्ट को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम स्पेसिफिकली मेंशन करके चलेंगे कि हम बात कर रहे हैं जीन रेगुलेशन इन यू बैक्टीरिया। देखो, ये बात मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किस रेस्पेक्ट में जीन रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। मतलब अगर मैं बोलूं कि आप प्रोकैरियोट में या यूकैरियोट में बात कर रहे हैं, तो आप प्रोकैरियोट के केस में जीन रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। ये चीज मेंशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप अगर जीन रेगुलेशन की बात कर रहे हैं तो किस रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, राइट। सो जीन रेगुलेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। अच्छा, प्रोकैरियोट में आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया? यस, यू बैक्टीरिया। अच्छा, यू बैक्टीरिया में भी कौन सा ऑर्गेनिज्म आप मेंशन करोगे कि आप स्पेसिफिकली बात कर रहे हो ई कोलाई की, क्योंकि कंडीशन चेंज हो जाएगी अगर मैं ई कोलाई की जगह यहां पे और कोई दूसरा बैक्टीरिया लूंगा तो केस कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन कि आप बात किसकी कर रहे हो, प्रोकैरियोट की कर रहे हो, यूकैरियोट की कर रहे हो, आर्की बैक्टीरिया की कर रहे हो, यू बैक्टीरिया की कर रहे हो, या फिर किस बैक्टीरिया के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो। ओके, तो जब मैं ई कोलाई मेंशन कर दूंगा कि मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा ई कोलाई की, तो अगर यहां पे आप मेंशन करोगे कि कौन सा जीन इन्वॉल्व होगा, काइंड ऑफ जीन कौन सा होगा, काइंड ऑफ जीन, जब आप ये बात मेंशन करके चल रहे हो कि आप ई कोलाई की बात कर रहे हो, तो यहां पे मेंशन कर सकते हो कि जो काइंड ऑफ जीन इसमें इन्वॉल्व है वो 100% प्रोटीन कोडिंग जीन ही होगा। जो जीन रेगुलेशन में इन्वॉल्व मेंबर होंगे वो कौन से मेंबर होंगे, प्रोटीन कोडिंग जीन होंगे, राइट। प्रोटीन कोडिंग जीन की बात कर रहे हो, काइंड ऑफ जीन जो रेगुलेशन में इन्वॉल्व है वो कौन से जीन के रेगुलेशन की आप बात कर रहे हो, प्रोटीन कोडिंग जीन की रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, राइट। यहाँ पे आप जो रेगुलेटरी मॉलिक्यूल मेंशन करना चाहोगे वो भी आप बता के चल सकते हो कि यहाँ पे जो रेगुलेटरी मॉलिक्यूल है वो रेगुलेटरी मॉलिक्यूल एक रेगुलेटरी आरएनए ना होके वो एक रेगुलेटरी, वो क्या है, रेगुलेटरी प्रोटीन है, रेगुलेटरी प्रोटीन है। मतलब ये बात आप कब कंफर्म रिव्यू में कह सकते हो कि जब आप मेंशन कर दो आप किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हो। हाँ, यहां पे मैं ई कोलाई की जगह अगर मैं कोई दूसरा बैक्टीरिया मेंशन करूं तो कंडीशन चेंज हो जाएगी। यस, तब आप ये नहीं बोलोगे कि वहां पे रेगुलेटरी प्रोटीन ही रेगुलेशन करेगी। नहीं, आपने जब मेंशन कर दिया व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ई कोलाई, देन यू कैन मेंशन कि हाँ, आप यहां पे रेगुलेशन कर रहे हो किस जीन का कर रहे हो, प्रोटीन कोडिंग जीन का कर रहे हो, किस तरीके के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो भाई रेगुलेटरी प्रोटीन इन्वॉल्व है। अच्छा, ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है ये किस लेवल पे रेगुलेशन करेंगे, रेगुलेशन एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे काम होगा। और ट्रांसक्रिप्शन में भी आप मेंशन कर सकते हैं कि यहां पे इनिशिएशन पे और इलोंगेशन के लेवल पे भी रेगुलेशन हो सकता है। समझ पा रहे हो? अच्छा, ये बात आप कब कंफर्म भी मैं कह सकते हो, जब आप ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर रहे हो। आप रैंडमली किसी भी केस में नहीं, आप ऐसे नहीं बोलोगे कि प्रोकैरियोट के केस में रेगुलेटरी जो हमारा मॉलिक्यूल है, ये काइंड ऑफ जीन है, वो हम प्रोटीन कोडिंग जीन के ही रेस्पेक्ट में करेंगे। नहीं, प्रोटीन कोडिंग जीन के अलावा कोई और जीन भी जो ट्रांसक्राइबेबल बट नॉन कोडिंग नेचर के होते, उनका भी रेगुलेशन हो सकता है, राइट। उनका भी रेगुलेशन हो सकता है, बट जब आप मेंशन करोगे ई कोलाई के केस में बात कर रहे हो, तो आप मेंशन कर सकते हो कि जो काइंड ऑफ जीन है वो ट्रांसक्राइबेबल नॉन कोडिंग ना होके वो ट्रांसक्राइबेबल कोडिंग है, मतलब वो प्रोटीन कोडिंग जीन है। आप जो रेगुलेशन कर रहे हो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, प्रोटीन कोडिंग जीन। यस, तो आप कंफर्म भी मैं कह सकते हो कि जब ई कोलाई की बात हो रही है तो हम काइंड ऑफ जीन कौन सा ले रहे हैं, प्रोटीन कोडिंग जीन। तब आप मेंशन कर सकते हो कि रेगुलेटरी आरएनए नहीं, यहां पर रेगुलेटरी प्रोटीन इन्वॉल्व है। और मैंने ये चीज पहले भी मेंशन किया कि रेगुलेटरी आरएनए यूकैरियोट में मेनली इन्वॉल्व होते हैं। प्रोकैरियोट में आप मेंशन करोगे कि रेगुलेटरी प्रोटीन मेनली इन्वॉल्व होती है। क्या आरएनए हो सकते हैं, हो सकते हैं, राइट, हो सकते हैं। अगर आप दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म लोगे, कोई दूसरा प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म लोगे, ईकोलाई की जगह दूसरा ऑर्गेनिज्म लोगे, तो वहां पे आरएनए भी हो सकता है, बट ईकोलाई के केस में रेगुलेटरी प्रोटीन है। ओके, जब रेगुलेटरी प्रोटीन है तो रेगुलेशन किस लेवल पे कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे। ट्रांसक्रिप्शन में भी ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन और ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन के रेस्पेक्ट में। ओके, इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं कि जब ट्रांसक्रिप्शन, इसी बात को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, सारी चीजें आप देखोगे कि मैं एक ऑर्डर में पढ़ाऊंगा और उसी ऑर्डर में समझ रहा है, ठीक है ना। जब आप रेगुलेशन एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हो, रेगुलेशन एट लेवल ऑफ
ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हो, तो जब आप ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर रेगुलेशन की बात करते हो, तो मेंशन कर ही चुके हो आप कि वो रेगुलेटरी प्रोटीन के थ्रू होगा। और ये जो रेगुलेशन है ये दो तरीके से हो सकता है। रेगुलेशन एट लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आप दो तरीके से मेंशन कर सकते हो। कैसे, कौन कौन से तरीके हैं कि आप बोल सकते हो वो रेगुलेशन पॉजिटिव रेगुलेशन होगा। रेगुलेशन हमेशा दो तरीके से हो सकता है। रेगुलेशन हमेशा, अगेन माइंड में क्लियर रखना कि जो रेगुलेशन है, हम जैसे टॉपिक का ही नाम क्या है, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, तो जो रेगुलेशन होगा वो दो तरीके से हो सकता है। या तो वो पॉजिटिव रेगुलेशन होगा या तो फिर वो नेगेटिव रेगुलेशन होगा, या तो वो पॉजिटिव रेगुलेशन या फिर वो नेगेटिव रेगुलेशन। समझिए इस बात को। और मैं एकदम कीवर्ड बताऊंगा, मैं आपको एकदम कीवर्ड बताऊंगा, वही चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, कि पॉजिटिव रेगुलेशन अगर हो रहा है तो इसका मीनिंग क्या है, नेगेटिव रेगुलेशन हो रहा है तो इसका मीनिंग क्या है। देखो, पॉजिटिव रेगुलेशन क्योंकि मैं मेंशन कर चुका हूं कि यहां पे रेगुलेटरी प्रोटीन इन्वॉल्व है, तो पॉजिटिव रेगुलेशन होगा, उसमें भी रेगुलेटरी प्रोटीन होगी। और जब भी आप पॉजिटिव रेगुलेशन बोलोगे तो इसका मतलब यहां पे एक्टिवेटर इन्वॉल्व होगा। जब भी आप नेगेटिव रेगुलेशन बोल रहे हो तो आप मेंशन करोगे यहां पे रिप्रेसर इन्वॉल्व होगा। अगर मैं ये बात बोलूं इन केस ऑफ नेगेटिव रेगुलेशन एक्टिवेटर इन्वॉल्व, ये स्टेटमेंट एकदम गलत है, क्योंकि इन द केस ऑफ नेगेटिव रेगुलेशन रिप्रेसर इन्वॉल्व होगा ना कि एक्टिवेटर। आ रही है बात समझ में? तो जब भी आप बात करोगे कि पॉजिटिव रेगुलेशन, तो यहां पे आप मेंशन करोगे कि जो रेगुलेटरी प्रोटीन है वो रेगुलेटरी प्रोटीन क्या है भाई, वो एक्टिवेटर है। आ रही है बात समझ में? वो एक्टिवेटर है। जब आप नेगेटिव रेगुलेशन को मेंशन करोगे तो आप बोल सकते हो कि जो रेगुलेटरी प्रोटीन है वो रेगुलेटरी प्रोटीन क्या है, रिप्रेसर है। तो कहने की बहुत बहुत ही साधारण सी बात है एक मैं कह रहा हूं कि जब रिप्रेसर होगा, जब भी किसी भी ऑपेरॉन सिस्टम में या किसी भी रेगुलेशन की मैकेनिज्म में जब भी रिप्रेसर इन्वॉल्व होगा नेगेटिव रेगुलेशन, जब भी पॉजिटिव रेगुलेशन हो रहा है मतलब एक्टिवेटर। चलो मेरे साथ दोबारा से रिपीट करो, आप भी बोलोगे इस बात को। पॉजिटिव रेगुलेशन मतलब एक्टिवेटर इन्वॉल्व, नेगेटिव रेगुलेशन मतलब रिप्रेसर इन्वॉल्व। इज इट क्लियर? बहुत ही साधारण सी बात है, बहुत ही साधारण सी बात है। अब हम, क्या मीनिंग है पॉजिटिव रेगुलेशन का, क्या मीनिंग है नेगेटिव रेगुलेशन का, मतलब क्या होगा, कब प्रोमोटर, कब एक्टिवेटर इन्वॉल्व होगा, कब रिप्रेसर इन्वॉल्व होगा, इसके लिए हमको एक बहुत ही छोटी सी चीज समझनी होगी। हाँ, मेरे रेस्पेक्ट में तो वो छोटी सी चीज है, दैट इज बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट। व्हाट इज बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट और किन चीजों पे ये बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो मैंने वर्ड अभी यूज किया बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट, पूरा कंसेप्ट ही इसी शब्द के चारों तरफ है। यस, बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट ये जो वर्ड है ना, ये पूरा जीन रेगुलेशन और जीन एक्सप्रेशन पूरा टॉपिक इसी शब्द के चारों तरफ घूमता है। समझते हैं व्हाट इज बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट इस पूरी कहानी को। ओके, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं एक बार और मेंशन कर रहा हूँ कि हम इस पार्ट में क्या बात कर रहे हैं, जीन रेगुलेशन इन यूबैक्टीरिया। जब आप यूकैरियोट की बात करें तो आप मेंशन करके चलो कि आप प्रोकैरियोट की बात कर रहे हो ना कि यूकैरियोट की। आप मेंशन करके चलो आप आर्की बैक्टीरिया की बात नहीं, यू बैक्टीरिया की बात कर रहे हो। आप मॉडल ऑर्गेनिज्म मेंशन कर दो कि भाई हम ई कोलाई की बात कर रहे हैं। जब ये चीजें फिक्स है तो आप मेंशन कर सकते हो कि जो काइंड ऑफ जीन है यहाँ पे इन्वॉल्व है जिसका आप रेगुलेशन कर रहे हो वो प्रोटीन कोडिंग जीन है। रेगुलेटरी मॉलिक्यूल यहाँ पे रेगुलेटरी प्रोटीन होगी, वो यहाँ पे प्रोटीन होगी, रेगुलेटरी आरएनए नहीं होगा। जो रेगुलेशन होगा वो एट लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होगा, मोस्टली ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन के लेवल पे होगा मोस्टली, राइट। रेगुलेशन एट लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन दो तरीके से हो सकता है, या जब भी होगा तो वो दो तरीके का होता है, को बोलते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन, एक को बोलेंगे नेगेटिव रेगुलेशन। पॉजिटिव रेगुलेशन का सीधा सा मतलब इतना है कि पॉजिटिव रेगुलेशन में आप क्या देखोगे, एक्टिवेटर इन्वॉल्व है, नेगेटिव रेगुलेशन मतलब रिप्रेसर इन्वॉल्व है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, मीनिंग ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एंड मीनिंग ऑफ नेगेटिव रेगुलेशन और बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट क्या होते हैं, इन पे बात करते हैं। मीनिंग ऑफ पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव रेगुलेशन एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस वर्ड को समझना है क्योंकि पूरा कंसेप्ट ही इसी वर्ड के चारों तरफ घूमता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसकी कहानी। तो देखिए ध्यान से कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक मान लीजिए जीन है, हमारे पास ये क्या है, एक जीन है। यहाँ पे देखिए कोई भी जीन होगा तो उसका एक क्या होगा, पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव रेगुलेटर नहीं, कोई भी जीन होगा तो उसका हमारे पास क्या होगा, एक प्रमोटर होगा, राइट। प्रमोटर के साथ साथ आप मेंशन करके चलोगे कि एक स्ट्रक्चरल जीन है। प्रमोटर साइट आप सभी को पता होगी कि वो साइट जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है, ठीक है।
प्रमोटर है ये, मेंशन करके चल रहा हूँ, ये प्रमोटर है, राइट, प्रमोटर है। और ये मान लीजिए स्ट्रक्चरल जीन है, ये हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन है, राइट। और स्ट्रक्चरल जीन जो प्रोकैरियोट में होते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं, मतलब एक जीन के अंदर मल्टीपल प्रोटीन को कोड करने की इंफॉर्मेशन होती है ना, पॉलीसिस्ट्रॉनिक बोलते हैं। यूकैरियोट में मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन होती है। ओके, व्हाट इज प्रमोटर, प्रमोटर क्या है और प्रमोटर होता क्या है, क्या काम करता है? प्रमोटर पे एक्चुअली आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है। कौन बाइंड करता है? आरएनए पॉलीमरेज। और भाई आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देगा, है ना। वो क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज मान लो बाइंड कर रहा है यहाँ पे आके, आरएनए पॉलीमरेज मान लो यहाँ पे आके बाइंड कर रहा है, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है। मैंने जब मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ी थी, और मैंने जब पढ़ी थी तब मैंने ये भी देखा था कि इसको किस तरीके से पढ़ाना है, तो उस समय पता है मैंने स्ट्रक्चर भी सेट करके रखे थे कि मैं जब भी आरएनए पॉलीमरेज बनाऊंगा मैं ऐसे ही बनाऊंगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर इस तरीके बनाने का बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, और वो उस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करता है कि क्यों ऐसा बनाया गया है। चलिए ये खैर अलग बात है। अब आप देखो कि जब आरएनए पॉलीमरेज होगा तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा। अब ये क्या करेगा, यहाँ से इधर की तरफ मूव करेगा, और आप क्या देखेंगे जब ये आगे मूव करेगा तो आप क्या देखेंगे, एमआरएनए की सिंथेसिस होगी। आप क्या देखोगे, यहाँ से खूब सारे एमआरएनए बनेंगे। ओके, क्या एक चीज मुझे बताओ, क्या यहाँ पे मैंने कोई रेगुलेटरी जीन यूज किया? जल्दी से आंसर करो, यस और नो में आंसर करना है। क्या मैंने रेगुलेटरी जीन यूज किया? नहीं किया। किया होता तो कुछ दिखता। क्या मैंने यहाँ पे एक्टिवेटर यूज किया? भाई रेगुलेटरी जीन यूज करते तब तो एक्टिवेटर या रिप्रेसर होता, नहीं। तो इस समय जो एमआरएनए बन रहा है, जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो वो ट्रांसक्रिप्शन में मुझे मान लो एक आरएनए पॉलीमरेज या इस पूरे स्ट्रक्चरल जीन से जो मेरे को मिले, आपको मान लो कि 10 mRNA मिले, 10 mRNA यहाँ पे बन रहे। सो विदाउट इन्वॉल्वमेंट, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पूरे सेशन की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या लाइन है, ध्यान से सुनना, कि विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेगुलेटरी जीन, एक्टिवेटर रिप्रेसर कुछ भी इन्वॉल्व नहीं कर रहे आप, विदाउट दैट इन्वॉल्वमेंट जो भी ट्रांसक्रिप्शन का रेट है दैट इज बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट। व्हाट इज बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट, कि रेगुलेटरी जीन को आपने यूज नहीं किया, आपने एक्टिवेटर रिप्रेसर कुछ भी यूज नहीं किया, उस समय जो ट्रांसक्रिप्शन का रेट है दैट इज बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट। क्या बोलती है कंपनी, आ रहा है समझ में, है ना। ये क्या है अपना, ये है बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट, कि जो एमआरएनए बन रहे हैं विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेगुलेटरी जीन दैट इज एक्टिवेटर और रिप्रेसर, उनको इन्वॉल्व नहीं किया, जो ट्रांसक्रिप्शन का रेट है दिस इज बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट। आया क्या समझ में, बीटीआर का मतलब समझ में, यस और नो? बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट का मतलब समझ में आ गया कि विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्टिवेटर और रिप्रेसर, ओके, जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन का रेट है वो बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट है। अब आगे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बेसिक सी चीज थी, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। बेसल, अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट किस बात पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, सोच के देखो। आप अपनी पूरी शक्ति लगा दो इस बात को सोचने में कि ये जो बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट है ये किस पे डिपेंड है। चलो मैं ऑप्शन दे रहा हूं, अब आप सोचना, स्ट्रक्चरल जीन पे या प्रमोटर पे, जल्दी बताओ किस चीज पे डिपेंड होगा। दो ही ऑप्शन है, स्ट्रक्चरल जीन या प्रमोटर। भाई प्रमोटर, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड तो प्रमोटर पे कर रहा है, सो दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ प्रमोटर। किस पे डिपेंड करेगा ये, प्रमोटर की स्ट्रेंथ पे। यस, कि प्रमोटर कितना स्ट्रेंथ है, अगर वो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है तो ट्रांसक्रिप्शन रेट ज्यादा, अगर वीक प्रमोटर है तो बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट कम। आ रही बात समझ में, तो ये बात कि बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट ज्यादा होगी या कम होगी ये किस पे डिपेंड करेगा, प्रमोटर की स्ट्रेंथ पे। समझ रहे पा रहे उस बात को, कि जो प्रमोटर की स्ट्रेंथ है वो प्रमोटर की स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, वो प्रमोटर स्ट्रांग है या फिर वो प्रमोटर वीक है, इस बात पे डिपेंड करेगा। बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट किस पे डिपेंड कर रही है भाई, कि प्रमोटर स्ट्रांग है तो बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट ज्यादा। अगर मैं लिख भी देता हूं, नहीं समझ में आ रहा हो तो अगर प्रमोटर की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है तो बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट ज्यादा, अगर प्रमोटर की स्ट्रेंथ वीक है तो बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट कम, है ना। इस बात को समझने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी, मैं इतना मान सकता हूं।
मैंने अभी तक बस कुछ ही चंद शब्द बोले हैं, और वो क्या है कि जब भी प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन होगा, प्रमोटर पे आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और वो एमआरएनए की सिंथेसिस कराएगा, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। और जितना भी ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, जिस रेट से हो रहा है, बिना विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्टिवेटर और रिप्रेसर, उस रेट को बोलोगे बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट। बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि प्रमोटर की स्ट्रेंथ कितनी है। अगर प्रमोटर स्ट्रेंथ क्या स्ट्रांग है तो बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट ज्यादा, प्रमोटर की स्ट्रेंथ अगर वीक है तो बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट कम। आया समझ में? बहुत बढ़िया, ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इन्वॉल्व करके देखेंगे कि अब ऐसे लॉजिकली सोच के देखो, अब इस यहां से कुछ कंक्लूजन निकाल लें, क्योंकि यही पूरे इस पूरे टॉपिक के यही फंडामेंटल्स हैं। अगर मैं बोलूँ तो अगर ऐसे सोच के देखो कि अगर मान लो कि कोई जीन है, मैं बना के दिखाता हूँ, मान लो अगर कोई जीन है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर कोई जीन है और उसका प्रमोटर आपने स्ट्रांग लिया हुआ है, अगर इसका प्रमोटर स्ट्रांग प्रमोटर है, इसका प्रमोटर कैसा है, स्ट्रांग प्रमोटर है, इसका प्रमोटर कैसा है, स्ट्रांग प्रमोटर है। मान लो ये प्रमोटर कैसा है, प्रमोटर में प्रमोटर को पी के ऊपर सर्कल के से मेंशन करता हूँ, और ये स्ट्रांग है, स्ट्रांग मतलब स्ट्रांग ही लिख देता हूँ, चलो स्ट्रांग प्रमोटर है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अगर मान लो कि रेगुलेटरी कोई जीन इन्वॉल्व हुआ, यहाँ पे कोई अगर रेगुलेटरी, ऑब्वियस सी बात है रेगुलेटरी जीन इन्वॉल्व होगा, रेगुलेटरी जीन एक्टिवेटर या रिप्रेसर दोनों लेके आएगा, है ना। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, मान लो कि एक रेगुलेटरी जीन इन्वॉल्व है, सुनना मेरी बात को, रेगुलेटरी, यहाँ पे एक रेगुलेटरी जीन इन्वॉल्व है, वो रेगुलेटरी जीन आप मुझे बताओगे कि वो एक्टिवेटर होना चाहिए, इन्वॉल्व एक्टिवेटर होना इन्वॉल्व चाहिए, या फिर वो रिप्रेसर होना चाहिए, ये आप जवाब दोगे। सोच के देखो, पूरी शक्ति लगाओ इस बात में कि जब आपका प्रमोटर स्ट्रांग है, जब प्रोकैरियोट के रेस्पेक्ट में सारी बातें चल रही है, मेंशन कर दी है मैंने चीज। अब आप सोच के देखो, प्रमोटर की स्ट्रांग, प्रमोटर स्ट्रांग प्रमोटर है, मतलब एमआरएन खूब सारे बन रहे हैं, कब, जब रेगुलेटरी जीन कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे जब स्ट्रांग प्रमोटर होगा, बहुत स्ट्रांग प्रमोटर है, तो उस समय एक्टिवेटर की जरूरत होगी कि रिप्रेसर की। अरे भाई एक्टिवेटर की क्यों जरूरत होगी, एक्टिवेटर तो ट्रांसक्रिप्शन रेट को और बढ़ाएगा, मगर यहां तो पहले से ही बहुत ज्यादा है, तो इस केस में कौन इन्वॉल्व होगा, रिप्रेसर। बात समझ रहे हो, क्योंकि प्रमोटर ऑलरेडी स्ट्रांग है, बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो इस केस में कौन इन्वॉल्व होगा, मेनली रिप्रेसर इन्वॉल्व होगा। बात समझ रहे हो इस बात को, बिल्कुल समझ रहे होगे, बिल्कुल समझ रहे होगे। तो यहां पे कौन इन्वॉल्व है, रिप्रेसर इन्वॉल्व है भाई, सही बात है, सही बात है। अगर मान लो इसी चीज को मैं, सुनना ध्यान से मेरी बात को, इसी चीज को मैं ये कर दूं कि ये प्रमोटर भाई वीक प्रमोटर है, ये कैसा प्रमोटर है, वीक प्रमोटर है। अगर वीक प्रमोटर है तो एमआरएनए कम बन रहे होंगे, तो इस केस में एक्टिवेटर की जरूरत है या रिप्रेसर की जरूरत है, यहां पे एक्टिवेटर की जरूरत है या रिप्रेसर की जरूरत है, यहां पे एक्टिवेटर की जरूरत होगी, जो रेगुलेटरी जीन होगा वो क्या बनाएगा भाई, आंसर करो मेरे को, समझ में आ रही है ये चीज कि नहीं आ रही, तुम बताओ आ रही है बात समझ में, इतना ही चाहिए, है ना। कि देखो, समझ के देखो, मैं ऐसे ही कुछ हवा में नहीं बोल रहा हूँ, सारी चीजें लॉजिकल चल रही है, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत ही जेन्यून टॉपिक है। कब जेन्यून है, कब लॉजिकल है, जब आपको लॉजिकल तरीके से पढ़ाया जाए, जब मतलब ऑर्डर में चीजें समझाई जाए, और वही यहाँ पे हो रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, दोबारा से रिकैप कर रहा हूँ। मीनिंग हमको पॉजिटिव रेगुलेशन नेगेटिव रेगुलेशन का मैंने हल्का सा बताया कि पॉजिटिव रेगुलेशन जब एक्टिवेटर इन्वॉल्व, नेगेटिव रेगुलेशन जब रिप्रेसर इन्वॉल्व, और बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट को समझना है, क्योंकि बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट के ही चारों तरफ ये कहानी चलेगी। जब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे आके बाइंड करेगा तो वो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन रेट को प्रमोट करेगा, या बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट से ट्रांसक्रिप्शन होगा। ओके, ये क्या हो गया, बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट, बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट ज्यादा होगा या कम होगा, ये किस पे निर्धारित होगा, ये निर्धारित होगा प्रमोटर की स्ट्रेंथ पे। प्रमोटर की स्ट्रेंथ ज्यादा है, स्ट्रांग है, तो बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट ज्यादा, प्रमोटर की स्ट्रेंथ कम है, तो बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट कम।
सही है। अब यहाँ पे हमको रेगुलेटरी जीन को इन्वॉल्व करना है, यहाँ पे एंट्री होती है रेगुलेटरी जीन की, कि मान लो प्रमोटर की स्ट्रॉन्ग ज्यादा है तो उस समय कौन इन्वॉल्व होगा, स्ट्रॉन्ग बहुत स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है तो ट्रांसक्रिप्शन रेट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो आपको रिप्रेसर की जरूरत होगी एक्टिवेटर की, रिप्रेसर की उस केस में। जब प्रमोटर की स्ट्रेंथ वीक है तो उस समय किसकी जरूरत पड़ेगी, एक्टिवेटर की। अच्छा अगर मैं इसी केस को ऐसे बोलूं कि हमारे पास जो प्रमोटर है, जो हमारे पास जो प्रमोटर है वो प्रमोटर कैसा है, इंटरमीडिएट टाइप का है। हमारे पास जो प्रमोटर है वो कैसा है, इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ का है, कि ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ना बहुत ज्यादा वीक है। हाँ तब आप बोल सकते हो कि ये ना वीक है, या आप इसको दोनों रेस्पेक्ट में रख दो, इंटरमीडिएट रख दो, इंटरमीडिएट। जब आपका जो प्रमोटर इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ का है तो आप एक्टिवेटर भी होगा और रिप्रेसर भी होगा। आ रही बात समझ? इसका बेस्ट एग्जांपल है लेकोपेरोन, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कि जहां पे प्रमोटर की जो स्ट्रेंथ है वो इंटरमीडिएट लेवल की ही क्या दर्शा रहा है, कि वहां पे प्रमोटर की स्ट्रेंथ ज्यादा इंटरमीडिएट है तो मतलब एक्टिवेटर भी होगा रिप्रेसर भी होगा। जैसे आप लेकोपेरोन में देखते हो, लेकोपेरोन में आप नेगेटिव रेगुलेशन भी शो करते हो, वहां पर रिप्रेसर प्रोटीन भी बनती है और वहां पे एक्टिवेटर प्रोटीन भी बनती है। ये बात ये शो करता है कि जो प्रमोटर की स्ट्रेंथ है वो इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ है, जबकि जबकि अगर आप बात करो ट्रिप्टोफैन ओपेरोन की, वहां पे कहानी अलग होती है। ट्रिप्टोफैन ओपेरोन के केस में आप क्या देखोगे, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है तो वहां पे एक्टिवेटर की नीड ही नहीं, वहां पे सिर्फ रिप्रेसर इन्वॉल्व होती है, वहां पे इसीलिए एक्टिवेटर इन्वॉल्व नहीं होती, उसका प्रमोटर ही स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है बेसिक में आप सिर्फ बहस ही बहुत ज्यादा है, तो उस वहां क्या जरूरत है, नेगेटिव रेगुलेशन की जो ओनली जरूरत है, इसलिए वहां पे नेगेटिव रेगुलेशन के रेस्पेक्ट में सिर्फ रिप्रेसर इन्वॉल्व होती है, वहां पे एक्टिवेटर होता ही नहीं है। समझ रहे हो बात को, और उस पर हम आएंगे भी, उसको बहुत डिटेल में समझेंगे। सो दिस इज अबाउट, आई होप कि आप समझ गए होंगे इस चीज को। इस चीज को मैं और बेटर में समझा देता हूँ कि देखो जब आपका प्रमोटर स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है, हालांकि बहुत चीजें समझ ही चुके हो आप, इसको इस रेस्पेक्ट में भी देख लो एक बार। यहाँ पे ये तीन केस बने हमारे पास, ये तीन केस बन चुके हैं। ठीक है, अरेंज कर देता हूँ क्योंकि चीज सामने सारी से लिखी हो तो ज्यादा बेटर है। तो हमने देखो के तीन केस देख लिए, कौन कौन से तीन केस देखे, जब स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है तो ओनली आप कहोगे रिप्रेसर इन्वॉल्व है, जब वीक प्रमोटर है तो आप कहोगे भाई एक्टिवेटर इन्वॉल्व है, जब प्रमोटर की स्ट्रेंथ इंटरमीडिएट है तो एक्टिवेटर भी होगा रिप्रेसर भी होगा। आ रही बात समझ में, सही है ना इतना? ओके, इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इसको ऐसे भी बोल सकते हो, एक केस की रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ बस, इस वाले केस में ऐसे भी बोल सकते हो कि जब आप बोल रहे हो कि प्रमोटर कैसा है स्ट्रॉन्ग, जब प्रमोटर स्ट्रॉन्ग है तो बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट ज्यादा या कम, ज्यादा ऑब्वियस सी बात है, प्रमोटर स्ट्रॉन्ग है तो बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट ज्यादा, जब बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट बहुत ज्यादा है हाई लिख देते हैं ना, बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट हाई है, जब बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट हाई है तो रिप्रेसर इन्वॉल्व होगा कि एक्टिवेटर, नीड एक्टिवेटर और रिप्रेसर, रिप्रेसर क्योंकि बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट ज्यादा है तो उसमें रिप्रेसर की जरूरत होगी, रिप्रेसर की जरूरत होगी, तो इसका हम पॉजिटिव रेगुलेशन बोलेंगे, नेगेटिव रेगुलेशन बोलेंगे, बोलेंगे भाई ये नेगेटिव रेगुलेशन हो रहा है। आया समझ में? सिमिलर वे में यहाँ पे बोल सकते हो कि जब प्रमोटर वीक प्रमोटर है तो बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट लो, बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट लो है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, एक्टिवेटर की, एक्टिवेटर की जरूरत पड़ेगी तो इसको पॉजिटिव रेगुलेशन बोलेंगे। आ रही बात समझ? दीज आर बेसिक्स ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, इस टॉपिक के ये बेसिक्स है जहां से ये टॉपिक शुरू होता है, और ये बहुत मैंडेटरी चीज है, ये अगर स्किप कर रहे हो तो फिर आप कहीं ना कहीं चीजें रटोगे, फिर आप कुछ तिगड़म लगाओगे कि ये ऐसे याद हो जाए, ये ऐसे याद हो जाए। ओके, समझ पा रहे हो? चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन,
एक बार और रिकैप कर रहा हूँ, क्या पढ़ा हमने? जीन रेगुलेशन इन यूबैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो मेंशन करके हुए करते हुए चल रहे हैं कि हम प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं, और प्रोकैरियोट में भी आर्किबैक्टीरिया लेके हम यूबैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। यूबैक्टीरिया में हमने मेंशन कर दिया कि जब हम ईकोलाई की बात कर रहे हैं तो कई सारी चीज़ें आप फिक्स कर दे रहे हो। फिक्स जैसे कि यहाँ पे जो जीन है वो प्रोटीन कोडिंग जीन इन्वॉल्व होगा, यहाँ पर रेगुलेटरी मॉलिक्यूल रेगुलेटरी प्रोटीन होगी, और रेगुलेटरी प्रोटीन रेगुलेशन ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन और इलॉन्गेशन के रेस्पेक्ट में करेगी। कभी भी टर्मिनेशन लेवल पे जीन रेगुलेशन होता भी नहीं है। रेगुलेटरन जो ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे हो रहा है वहाँ पे पॉजिटिव रेगुलेशन और नेगेटिव रेगुलेशन होगा। रेगुलेशन दो टाइप से हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब एक्टिवेटर इन्वॉल्व, नेगेटिव का मतलब है रिप्रेसर इन्वॉल्व। फिर हमने समझा पॉजिटिव रेगुलेशन नेगेटिव रेगुलेशन और एक इंपॉर्टेंट वर्ड बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट को। बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट क्या है कि जब बिना इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्टिवेटर और रिप्रेसर जब जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है दैट इज बेसल ट्रांसक्रिप्शन। जो हाँ, अब ये बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट किस पे डिपेंड है? ये डिपेंड करता है प्रमोटर की स्ट्रेंथ पे। प्रमोटर की स्ट्रेंथ हाई है तो बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट ज्यादा, लो है तो बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट लो, इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट लेवल पे बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट हो रहा होगा। ओके, अब इसी बात से हम लिंक करते हुए रेगुलेटरी जीन को समझें कि रेगुलेटरी जीन में जो रेगुलेटरी प्रोटीन बन रही है वो एक्टिवेटर इन्वॉल्व होगा कि रिप्रेसर। इसको समझते हैं कि जब हमारा प्रमोटर स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है, ट्रांसक्रिप्शन रेट ज्यादा है, तो उस समय किसकी जरूरत पड़ रही है? रिप्रेसर की, उसको कम करना होगा। जब हमारा प्रमोटर वीक प्रमोटर है तो वैसे ही कम बन रहा है तो हमको वहां पर रेगुलेटरी जीन की कौन सी जरूरत पड़ेगी? एक्टिवेटर की, ठीक है। और जब इंटरमीडिएट है तो दोनों की। तो हम ये बात नहीं कह सकते कि जीन रेगुलेशन में हमेशा नेगेटिव रेगुलेशन होता है, हम ये नहीं बोल सकते कि जीन रेगुलेशन में हमेशा पॉजिटिव रेगुलेशन होता है। ये बात डिपेंड करेगी कि प्रमोटर की स्ट्रेंथ क्या है। प्रमोटर की स्ट्रेंथ हाई है तो रिप्रेसर, लो है तो एक्टिवेटर, इंटरमीडिएट है तो बोथ। इज इट क्लियर? So this is about today's class. We will continue it in next class. Okay? Thank you so much. Take care.